गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे यार, अच्छे रहे ना। तो गाइस आज आप सभी लोगों के लिए आज और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो हम लोग आज एक राइड पे जा रहा हूँ। तो गाइस हम आज डानकुनी जा रहा हूँ, कुछ काम है और राइड भी हो जाएगा उसके। तो चलिए गाइस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और हमारी एंटॉर्क यहाँ पर खड़ा है, पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी कर लिया हूँ, आप लोगों के साथ मोटो ब्लॉगिंग शेयर करेंगे। तो गाइस चलिए मोटो ब्लॉगिंग मूड पे मिलता हूँ। तो गाइस हमारी एंटॉर्क में पेट्रोल नहीं है, पूरा जीरो हो चुके हैं। तो अभी हम लोग एक थोड़ा सा पेट्रोल डलाना है कोई भी शॉप पे जाके, उसके बाद पंप पे जाके इसका टैंक भराना है। तो सामने एक दुकान मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल डला लेंगे हाफ लीटर, उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाके भराएंगे। रेल ब्रिज का गेट खुला है, अल्लाह का शुक्र, नहीं तो आधा घंटा यहाँ पे वेट करना होता। ये हमारे पूरा बाजार स्टेशन है, मेरे घर के पास ही है। और हमारे घर से ये नियरेस्ट बाजार है, यहाँ पे हम लोग जो बाजार है यहाँ पे करने के लिए आती हूँ। और ये रास्ता सोजा जाके दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में मिलता है। तो गाइस फाइनली हम लोग हाई रोड पे आ चुके हैं। अभी ऑफ रोड से ऑफ साइड से जाके पेट्रोल डलाना है, नहीं कोई उपाय नहीं है, हम लोगों को ऑफ साइड से जाके पेट्रोल डलाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डानकुनी की तरफ। और हमारी एंटॉर्क की जो पॉल्यूशन का पेपर है वो भी ख़त्म हो चुकी है, उसका भी कराना है। देखता हूँ यहाँ पेट एशिया इसी जगह पे इसी पेट्रोल पंप पे मिल जाती है पॉल्यूशन कराने के लिए। ओ मिल जाएगा तो करा लेंगे, देख देख के जाना होगा। जो सामने देख पा रहे हैं राइट साइड पे है पेट्रोल पंप, वहां से हम लोग पेट्रोल डला लेंगे। इस जगह का नाम है गोविंदपुर और यहाँ पे एक कैफे शॉप भी है। तो फाइनली हम लोग हाई रोड पे आ चुके हैं। अभी हम लोगों को 35 किलोमीटर यहाँ पे राइड करना है, उसके बाद हम लोग को जाना है डानकुनी। वहाँ पे थोड़ा सा काम है और हमारी TVS सर्विस सेंटर पे जाएंगे। हमारी जो पीछे का डिग्गी है, सीट है, वो लॉक नहीं हो रही है, उसी के कारण डानकुनी जा रहा हूँ। उसी सिलसिले में हमारी एंटॉर्क का जो प्रॉब्लम है वो भी दिखा लेंगे। और आज संडे हैं तो बहुत लोग राइड पे निकालेंगे, तो उसके साथ मीट भी हो जाएंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे हाई रोड पे थोड़ा सा राइड करता हूँ, बहुत दिन के बाद निकल रहा हूँ हमारी एंटॉर्क को। अरे भाई टाइम नहीं मिलता है, जॉब करता हूँ ना, उसीलिए जो लोग जॉब करता है उस लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, राइड करने का। इधर तो दोनों साइड पे हाई रोड पे मिल जाती है ग्रीनरी और ग्रीनरी, देख पा रहे हो जितना तरफ आप लोग देख पा रहे हो उधर ग्रीनरी और ग्रीनरी। एक तो राइट पे निकलना ही होगा, कब से सोच रहा हूँ कि एक राइड पे जाऊँगा। इधर जो KTM है, KTM का यहाँ पे ऑफ रोडिंग का जो इवेंट चल रहा था एक बार वीडियो में दिखाया हूँ इधर से, वो प्लाकेट है इधर अभी तक।
तो गाइस अभी हम लोग सिंगूर क्रॉस कर रहा हूँ और ये सिंगूर का ब्रिज है। यहाँ पे मैं ज़रूर जब निकलता हूँ तो ये पार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एक लुक आती है। लेफ्ट साइड में है डानकुन स्टेशन। तो गाइस अभी का टाइम हो रही है 7:27 और अभी हम हमारी काम ख़त्म करके मामू को घर घूम के अभी वापस घर जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ डानकुनी स्टेशन के पास जो फ्लाईओवर है उसके बगल में। यहाँ से सामने जाएंगे जाके हम लोग हाईवे पर करेंगे और हाउसिंग से वहाँ से डायरेक्ट हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। 35 किलोमीटर्स है मेरे घर हाउसिंग से। तो चलिए गाइस आज का जो राइड है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस सामने आ गया है डानकुनी टोल प्लाजा। रात का टाइम आप लोगों को क्या ही दिखाऊंगा।